क्योंकि देखें दवा भी उसी वक्त असर करती है जब इंसान जिंदा हो एक बार इंसान निकल गया वेदर यूर नेचुरल यूर नॉट natural आप वेट लिफ्ट करते हो आप रनिंग स्प्रिंटिंग या कोई दूसरी कार्डियो एक्सरसाइज करते हो आप किसी स्पेसिफिकली किसी एक स्पोर्ट में इंगेज हो इन ईदर केसेज these ऑल टेस्ट आर फ्रिक एंड पहले नंबर पे आते हैं आपके लिपिड्स दैट इज योर लिपिड प्रोफाइल योर लिपिड पैनल इसमें हम निकालते हैं हम फिगर आउट करते हैं आपका एच डी एल योर एल डी एल टोटल कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिस्ट्राइड्स अब देखें जैसे कि हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करी इसमें कौन से दो पैरामीटर्स हैं जो हम इस लिपिड टेस्ट से ले सकते हैं पहली चीज योर ट्राइग्लिसराइड्स लेवल दूसरी चीज योर एच डी एल यानी अगर आप सिर्फ मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात कर रहे हो सो आउट ऑफ दो फाइव दो के दो आपको इस टेस्ट से इनफैक्ट यहां पे मिलते हैं तो so, अगर आप ये टेस्ट कराते रहते हो सो so आपको पता है कि यू हैव टू अप योर एच डी एल एंड एट द सेम टाइम आपको अपने ट्राइग्लिसराइड्स को लोअर रखना है सो इफ यू आर एबल टू डू इट इफ यू आर एबल टू प्ले अराउंड सो वो जो पांच टेस्ट हैं इनफैक्ट जो पांच पैरामीटर्स हैं, उसमें से दो आपने खुद से इस टेस्ट के थ्रू कंट्रोल कर लिए जब आप कंट्रोल कर लोगे सो आपका वो जो कार्डियो रिलेटेड डिजीजेस या फिर डायबिटीज टाइप टू का जो इशू है जो आपकी प्रोपेंसिटी है जो आपको इनफैक्ट कॉज कर सकता है वो चीज सम वे वन वे और दी अदर आपने प्रिवेंट इनफैक्ट कर दी आपने शायद देखो बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो अपने ब्लड वर्क में अपनी लिपिड्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखते हैं स्पेशली देयर आर एच जो कि इनफैक्ट हम भी अक्सर ब्लड वर्क में डिस्कस करते रहते हैं बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स जो कि कुछ एक तवील अरसे तक इनको नहीं डिस्कस किया गया इनफैक्ट कुछ रिकमेंडेशन थी बाय अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा उन अथॉरिटीज का उन सोर्स का बट उन्होंने ये कहा कि जी टोटल कोलेस्ट्रॉल इज एवरीथिंग और एलडीएल को आपने देखना है एंड दैट इज इट आप किसी भी बड़े हार्ट से रिलेटेड क्रॉनिक कंडीशन से बच सकते हो जबकि ऐसा नहीं है टू वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वन इज योर एच और दूसरा ट्राइगलीस्ट्राइट्स लेवल सो दैट इज वाई जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये सारे के सारे स्पेशली लिपिड्स में इन दो चीजों को बहुत ही ख्याल और कंट्रोल करके चलते हैं और इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग अगर कोई चीज खराब हो रही होती है अब ये टेस्ट कराना चाहिए? Like इससे दे आर इन इसकी जरूरत है अनलेस यू आर फेसिंग सम एक्स वाइज इश्यू लेकिन वंस इन एयर इज एट लीस्ट एट लीस्ट ए मस्ट इसके बाद हम बात करते हैं हमारा दूसरा टेस्ट दैट इज लिवर फंक्शन टेस्ट दैट इज लिवर पेन लिवर पैनल में हम क्या देखना चाह रहे हैं हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि क्या आपके लिवर में कोई इन्फेक्शन है हो सकता है आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जहां पे आपको ऐसी मेडिकेशंस दी जा रही हों जिसकी वजह से आपके लिवर एंजाइम्स एलिवेट हो रहे हो या फिर अक्सर हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी हेमोक्रोमेटोसिस इन सारी चीजों में टेस्ट रिकमेंड किया जाता है बट स्टिल अगर इवन इफ यू डोंट हैव एनी रॉन्ग विद योर बॉडी एज पर योर नेरेटिव एटलीस्ट वंस इन ए ईयर फॉर एल एफ नेक्स्ट है वी हैव इज द किडनी पैनल और किडनी प्रोफाइल इसमें हम क्या देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम इसमें देखते हैं हमारा लेवल्स दैट इज लेर फिल्ट्रेशन रेट मुझे हमेशा इसको बोलने में मुश्किल होती है एनी हाउ अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में हम क्या देखना चाह रहे हैं देखें यूरिया वट इज यूरिया यूरिया इज लाइक अ वेस्ट इट इज अ वेस्ट कंटेनिंग नाइट्रोजन जो कि समझें कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद लिवर रिलीज करता है और उसे ट्रांसफर करता है कहां पे आपके किडनीज पे अब क्योंकि यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है एक वेस्ट है तो उसूलन ये आपकी बॉडी के बाहर होना चाहिए जो काम कौन करता है किडनी करता है अगर आपकी किडनीज हेल्दी हैं एज अ रिजल्ट ये यूरिया को फिल्टर आउट करेंगी और यूरिन के रस्ते वो चीज़ बाहर चली जाएगी एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी में जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आएगा वो नॉर्मल आएगा लेकिन इफ योर किडनी इज़ हैविंग एनी डिजीज और इनफैक्ट एनी इन्फेक्शन इन दैट केस वो फिल्टरिंग प्रोसेस अफेक्ट होगा जिसके नतीजे में यू विल बी हैविंग एलिवेटेड लेवल्स ऑफ यूरिया इन योर सिरम इन योर फ्रिकेन ब्लड सो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्रिएटेनाइन लेवलनाइन अगेन इट इज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो अगेन इट हैजू पास थ्रू योर किडनीस एंड यूरीन के रस्ते उसे निकलना है लेकिन अगेन क्रिएटेनाइन इज समथिंग विच इज प्रोड्यूस बायर मसल सो एज अ रिजल्ट मोर मसल्स इफ यूर हैसल्स सो ऑफकोर्स योर बॉडी विल प्रोड्यूस More more फिर अगर आप क्रिएटीन सप्लीमेंटेशन यूज करते हैं तो इवन इन क्रिएटेनाइन लेटेड आएगा या फिर अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे हैं तो उसमें भी अगेन डिपेंडिंग अपॉन द मसल यू हैव इन योर फ्रेम इन सारे के सारेरियोज में यू हैव एलिवेटेड क्रिएटेनाइन ले किडनी पैनल इज द जी एफ आर दैट इज ग्रोमेरियलर फिल्ट्रेशन रेट ये कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन रेट है आपकी बॉडी का जो किडनीज फिल्टर करती हैं जिस रेट से करती हैं और अगेन दिस इज नॉट ए डायरेक्ट मेजरमेंट बट इसमें फॉर्मुलेशन के थ्रू उसको निकाला जाता है वाई आर योर क्रिएटेन लेवल्स सो इट इज आई वुड से नॉट वेरी मच एक्यूरेट बट स्टिल इट इज अ क्रूड इट इज अ गुड रफ एस्टिमेट टू फिगर आउट सो दिस इज योर इनफैक्ट किडनी प्रोफाइल और इनफैक्ट किडनी पैनल और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए अगेन वंस इन एयर इज लाइक मोर देन इनफ अनलेस यू हैव सम सम्रिकेंट इश्यू इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि फास्टिंग ग्लूकोज या फिर योर ब्लड प्रेशर ये चीज़ें ऐसी हैं कि यू शुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स एट योर होम इसके लिए अलग से जाके टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है लेकिन एटलीस्ट फॉर बेसलाइन पर्पज के नंबर्स क्या होते हैं यू नीड टू हैव दिस एज वेल नेक्स्ट अप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज हेमाटोलॉजी जिसको आप कंप्लीट ब्लड पिक्चर या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहते हैं इसमें जी आपके पास होता है हीमोग्लोबिन हमेटोक्रेट इसमें आपके पास होता है रेड ब्लड सेल काउंट वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स या फिर आप इससे आप मेजर कर सकते हैं कि जी किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपकी बॉडी या इनफेक्ट किसी भी एक सिनेरियो में आपकी बॉडी किस तरह से बिहेव करिए और ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल होता है टू फिगर आउट योर बॉडीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपैसिटी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अनिमिया का शिकार होते हैं डैट इज़ लाइक वो बैठे हुए हैं जरा सा वो उठे दे फील लाइक शेड दे फील लाइक उनको वीकनेस हो रही होती है वो परेशान हो रहे होते हैं सो मे बी अगर आपके पास ये ब्लड वर्क है सो मे बी योर डॉक्टर कैन रिकमेंड यू एनी सॉर्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मे बी वन यूनिट इफ नीडेड सो अगेन ये टेस्ट भी एटलीस्ट साल में एक बार आपको जरूर कराना चाहिए अदर देन द फैक्ट इफ यू हैव नो इश्यू इफ यू आर हेल्दी एटलीस्ट साल में एक बार इज ए मस्ट एंड देन हारमोनल टेस्ट इज टेस्टोस्ट्रोन टेस्ट अच्छा देखिए जब हम बात करते हैं सो so, ये ऐसी चीज है कि यूजली आई वुड से आफ्टर थर्टी फाइव लोगों को स्पेशली मर्दों को करानी चाहिए लेकिन आजकल का जो सैनैरियोज है जैसे लाइक पोर स्लीप हाइजीन पुअर न्यूट्रिशन लैक ऑफ एक्सरसाइज हायर एडिपोसिटी यानी हायर बॉडी फैट परसेंटेज यानी ज्यादा से ज्यादा ऑटोमाइजेशन ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट कम हो जाए और मशीन्स के जरिए अपना काम लिया जाए दैट इज द रीजन के अब जो टेस्ट आई वुड से कि आफ्टर 35 लोग रेकमेंड करते थे इनफैक्ट उनको कराना चाहिए था आई वुड से इफ यूर इवन इन योर मिड ट्वेंटीज लीस्ट गेट दिस टेस्ट डन एट लीस्ट वंस इन ए फ्रीकेंट ईयर तो जब हम टेस्ट्रोस्ट्रोन की बात करते हैं सो तो मेल्स के लिए टेस्टोस्ट्रोन सो तो फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोडाइल तो जब मैं यहां पे बात करूंगा फ्री टेस्ट्रॉस्ट्रोन तो फीमेल्स के केस में क्या होगा फ्री एस्ट्रोडाइल या फिर फ्री एस्ट्रोजन सो तो कीप दैट इन माइंड तो अब टेस्ट्रोस्ट्रोन की जब हम बात करते हैं सो तो आई रिमेंबर ए कॉलीग बैक इन द डेज लाइक थ्री फोर ईयर्स बैक ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड वो डिप्रेस रहता था उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं थी आई थिंक उसका बॉडी फैट भी अराउंड थर्टी परसेंट था सो so, मैंने उसको कहा कि जस्ट गो फॉर अ सिंपल ब्लड वर्क सिंपल एक ब्लड टेस्ट करवाओ टोटल टेस्टोस्ट्रॉन का एंड आई थिंक टू और थ्री ईयर्स बैक ही वॉज आई थिंक ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड और आपको पता है उसका ब्लड वर्क में उसका टोटल टेस्टोस्ट्रॉन कितना आया था लो टू हंड्रेड्स so for someone who is in mid twenties यहाँ पे elevated testosterone levels होते हैं peak पे होते हैं काफी अच्छे amount में होते हैं he was literally having a total testosterone of about 60 or 70 year old guy testosterone एक bound होता है एक free form में होता है bound होता है by albumin, SHBG, sex hormone binding globulin दूसरा होता है free testosterone ठीक है free यानी अवेलेबल फॉर सेक्स ड्राइव अवेलेबल फॉर योर हेयर अवेलेबल फॉर योर मसल अब लोग कहते हैं कि जी मुझे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बताएं या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा जो फ्री टेस्टोस्ट्रोन है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए लेकिन सर जी यू नीड एवरी थिंग इन मॉडरेशन क्योंकि देखिये जो एसेज बीजी होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबलिन इट इज लाइक अ कैरियर ये कैरियर है और ये जो आपका टेस्टोस्ट्रोन होता है इसको बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को जस्ट लाइक ब्रेन आपके ब्रेन के लिए टेस्टॉस्ट्रोन बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये कैरी करता है इट इज लाइक अ कैरियर सो ये कहना के जी फ्री टेस्टॉस्ट्रोन मेरा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए नहीं यस यू नीड बैलेंस इन एवरी फकिंग थिंग यू नीड अ फ्रिकेन बैलेंस इन एवरी थिंग सो अब आपको पता कैसे चलेगा आपका ब्लड वर्क है इफ यूर फ्री टी इज लाइक बिटवीन वन एंड थ्री पर्सेंट सो दिस इज लाइक हेल्दी रेंज फॉर एनी मेल फॉर एनी ह्यूमन बींग अ मेल सो इफ योअर फ्री टी इज इन रेंज इफ योर अदर बायोमार्कर्स आर इन रेंज सो सिडरिंग स्पेशली स्पेशली आज के दौर में जब पुअर स्लीप हाइजीन लैक ऑफ क्वालिटी फूड क्वालिटी सप्लीमेंटेशन और दूसरी रीजन की बेसिस पे भी योर टेस्टोस्ट्रोन इनफैक्ट योर टोटल टेस्टोस्ट्रोन सख्स और ये ऐसी चीज है कि हम इस फीस पर लिटरली बात भी करें तो हमारी सोसाइटी कहती है यार तुम कैसी बात कर रहे हो टेस्टोस्ट्रोन इस उम्र में इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें ऐसा क्या इशू हो गया जबकि ऐसा कुछ नहीं है यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट योर बेसलाइन नंबर क्योंकि मेचोरिटी केसेस में हमारे पास बेसलाइन ही नहीं होते सो यू नीड एटलीस्ट दिस टेस्ट एटलीस्ट वंस इन अफ्रीकन ईयर अदर देन दैट कुछ बेसिक कैंसर की स्क्रीनिंग होती हैं अगेन फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स फीमेल आप अपने मेडिकल या फिर हेल्थ प्रैक्टिशनर से लिखवाएं जो भले तीन तीन साल में हो या पांच पांच साल में वो टेस्ट होने चाहिए लेकिन यू नीड टू गेट द जॉब डन सो एज एन एंड नोट ये सारे के सारे जो मैंने आपको टेस्ट बताया ये क्यों जरूरी है जस्ट टू फाइंड आउट द दाइन क्योंकि जैसे मैंने कहा डायग्नोस्टिक्स में बहुत सारी हमारे पास ये नंबर नहीं होते एटलीस्ट यार आपको दुनिया का नहीं पता अपने बायोमार्कर्स का तो यार आपको पता होना चाहिए ना और इसमें बहुत सारी लिटरली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफस्टाइल आपकी डाइट बाय इनफैक्ट इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन लाइक ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स आप इन चीजों को बेहतर बना सकते हैं अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर बना सकते हैं अपने ओवरऑल लाइफ स्टाइल इनपुट से अपने बायोमार्कर्स को अपने वाइटल्स को कंट्रोल कर सकते हैं सो so, अगर आपको दुनिया का नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है आई वुड से आई डोंट माइंड लेकिन अगर आपको अपने बायोमार्कर्स नहीं पता सो so प्लीज उस इग्नोरेंस वाले फेज से निकले एंड ट्राई टू मेक योर सेल्फ मोर एंड मोर एजुकेटेड क्योंकि देखें दवा भी उसी वक्त असर करती है जब इंसान जिंदा हो एक बार इंसान निकल गया दवा भी असर नहीं करेगी तो जो लोग इग्नोरेंस का शिकार हैं कि जी हमें पता चल गया तो जी पता नहीं किस तरह की जिंदगी हो जाएगी एंड ब्ला ब्लॉब ब्ला ब्ला। सर देखें अगर आप जिंदा हैं ना तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कल को मर जाएंगे चार दिन लोग रोएंगे और लिटरली आगे बढ़ जाएंगे सो प्लीज फॉर लॉन्जेविटी फॉर योर हेल्थ सपोर्ट फॉर योर यू नो बेस लाइन नंबर फॉर आर फ्रिक प्रो एक्टिव अप्रोच यू नीड टू गेट